गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल, क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 14, बुद्धिमान मंत्री। चैप्टर का नाम क्या है? बुद्धिमान मंत्री। तो अपन देखते हैं इसको। एक दिन दो शिकारी जब सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए, तो एक पुराने तालाब के किनारे आराम करने के लिए बैठ गए। शिकार ना मिलने के कारण यद्यपि वे दोनों निराश थे, मगर एक शिकारी कुछ ज्यादा ही निराश था। तभी एक साथी उस तालाब से जल भरने गया तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। मछली को देखकर उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमकने लगी वह जल लेकर अपने साथी चंदू के पास गया और बोला, अरे भाई चंदू, इतना निराश क्यों हो? काम धंधे के लाभ हानि चलती ही रहती है। अगर आज हमें शिकार नहीं मिला तो क्या? जिस तालाब के किनारे हम बैठे हैं उसमें मछलियां ही मछलियां भरी पड़ी हैं। जाल डालो और मछली पकड़कर शहर जाकर बेचो, इस तरह अपना धंधा खूब चलेगा। बात तो तुम्हारी सही है, मगर अब शाम हो चुकी है, कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे, चंदू ने कहा। तालाब में तैर रही मछली ने शिकारियों की बात सुन ली। जीवन किसे प्यारा नहीं होता और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को जब यह पता चला कि ये दोनों शिकारी उनके शत्रु हैं, तो वे अपने राजा मगरमच्छ के पास गई और उसे सारी बात बताई। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि हमें रातों रात यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। परंतु मगरमच्छ ने अपने पूर्वजों के का तालाब छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। मगरमच्छ को उनके मंत्री ने भी समझाया, किंतु रूढ़िवादी मगरमच्छ ने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा का अंतिम फैसला सुनकर सभी मछलियों को बहुत निराशा हुई। वे अब मंत्री की ओर देख रही थी। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वह बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हम लोग इस समय घोर संकट में हैं, यदि हमने अपने बचाव के लिए जल्द ही कोई उपाय नहीं किया तो कल तक शिकारी किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तो फिर आप ही बताइए मंत्री जी, हम क्या करें? एक मछली बोली, हम तो वैसा ही करेंगे, करने को तैयार हैं जैसा आप कहें। आप में से जो जीना चाहते हैं वह मेरे साथ दूसरे तालाब में चले, मैं उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। दूजा मंत्री ने कहा उनमें एक पक्ष राजा का साथ देने में था और दूसरा पक्ष मंत्री का साथ जाने के लिए तैयार था। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे प्रार्थना की, भाई संकट के समय इस समय हमारी मदद करो, नहीं तो शिकारी हमें मार डालेगा। कछुए ने मंत्री की बात मान ली और रातों रात अपनी पीठ पर मछलियों को लाद लाद कर दूसरे तालाब तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रजा और अपने मंत्री को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। वास्तव में मौत का डर उसे भी सता रहा था, मगर
वह अपने पुश्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। प्रातः उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपने जाल फेंक कर मछलियों को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके राजा के पक्ष की मछलियां जाल में फंसती रहीं और राजा की हट और रूढ़िवादी का के कारण तालाब में बची मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो क्या हुआ, जितनी भी मछलियां थी वो सब क्या हुआ, तालाब से पकड़ी गई तालाब में। तो इसमें क्या है, निराश न होने के लिए सलाह देना, अपनी सुरक्षा के लिए तरीके खोजना, सही गलत निर्णय का कौशल आप सब में होना चाहिए कि कौन सी बात हमारे लिए सही है जिस कभी समय आने पर और कौन सी बात गलत है। तो उन्होंने सही निर्णय लिया कुछ मछलियों ने और वो तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में मंत्री के साथ चली गई, तो वो बच गई और जो जिसने राजा का साथ दिया वो मारी गई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।